भागलपुर पुलिस को शराब तस्करी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भागलपुर जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्र से हजारों लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने शराब तस्करी में शामिल वाहन चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को सिटी SP श्री राज ने बयान जारी कर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी है। सिटी SP श्री राज ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थ, अवैध हथियार और शराब की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी अभियान के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाईपास थाना क्षेत्र से एक ट्रक पर भारी मात्रा में शराब ले जाया जा रहा है। सिटी SP श्री राज ने बताया कि पुलिस मुख्यालय मद निषेध विभाग से सूचना मिली कि एक ट्रक के माध्यम से पंजाब से बरौनी के रास्ते भागलपुर होकर अवैध शराब ले जाई जा रही है। इसी सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने नाकेबंदी की और जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार चालक से पूछताछ जारी है, जिससे इस मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कल भागलपुर पुलिस ने कुल 3 जगह पर शराब की बड़ी खेप बरामद किया है। जो पहला जगह है जो कि श्रीनारायणपुर थाना क्षेत्र में है। इसमें पुलिस मुख्यालय की मद निषेध इकाई की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना दिया गया और उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया SDPO त्रिपाठी के नेतृत्व में। और इस टीम ने इस सूचना का सत्यापन करते हुए और घेराबंदी करते हुए एक ट्रक को सीज किया और जब विधिवत इसकी तलाशी ली गई तो इसमें से कुल 6,358 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है तथा ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। श्रीनारायणपुर थाना क्षेत्र तो इसमें जो ड्राइवर हैं योगेंद्र सिंह, पिता प्रेमजीत सिंह जो कि लुधियाना पंजाब के रहने वाला है, इनके द्वारा जो गाड़ी भी है जो पंजाब के नंबर है तो इसमें जो है गिरफ्तारी की गई है। और क्या इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं और कौन शराब भेजा है और ये कौन रिसीव करने वाला था, जो हम लोग को प्रथम सूचना प्राप्त हुआ है इसमें ये गाड़ी जो है बरौनी जा रही थी और ये गाड़ी पंजाब से आई है और इसका जो रूट है रूट का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किस रूट से इसने एंट्री किया है और बरौनी में इसको डिलीवर करना था लेकिन कहाँ डिलीवर करना था इस संबंध में अभी अनुसंधान चल रहा है। दूसरा जो शराब पकड़ाया है जो कि बाईपास थाना क्षेत्र में, इसमें DIU की टीम और बाईपास थाना अध्यक्ष की टीम जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक ट्रक जो कि झारखंड नंबर का है इसको विधिवत तलाशी लिया गया और सीज किया गया, जिसमें एक व्यक्ति 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, प्रेम कुमार, विपिन और ओम प्रकाश शाह जो ट्रक के ओनर है। ये तीनों खगड़िया के रहने वाले हैं और शराब भी खगड़िया लेकर जा रहे थे। ये लोग शराब जो है पूछताछ में बताया कि बंगाल से लेकर आ रहे थे और इसमें कुल 1153 लीटर शराब बरामद की गई है। तीसरा जो मुख्य सफलता हम लोग को मिला है वो कि बरारी थाना क्षेत्र, जिसमें DIU की टीम और बरारी थाना की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को जब्त किया गया। इसमें कुल 223 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। पिकअप के ड्राइवर राजेश कुमार जो कि गोपालपुर के रहने वाला है इसको गिरफ्तार किया गया है और इनके मालिक और ये कहाँ इसको डिलीवर करना था फॉरवर्ड और बैकवर्डेज लिंकेज के तहत अनुसंधान चल रहा है। तो ये कुल 3 जो महत्वपूर्ण शराब की रिकवरी है जो कि तकरीबन 7,500 लीटर के करीब जो है हम लोगों ने पकड़ा है, इसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा और आगे भी कार्रवाई चल रही है। सर, सावन का मास है, क्या कावड़ियों के वेश में शराब तस्कर भी देखे जा रहे हैं? ऐसे अभी तक तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन हमारी टीम पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम लगी हुई है और लोगों से भी अपील है कि कहीं भी किस तरह का भी सूचना प्राप्त होता है तो वो पुलिस को दें और इसके ऊपर हम लोग विधिवत कार्रवाई। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 11 अगस्त को तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर भागलपुर तैराकी संघ और जीवन जागृति सोसाइटी ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। वहीं रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शहर के बुद्धिजीवी लोग, NCC के छात्र और कई समितियों के लोग शामिल थे। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह तैराकी प्रतियोगिता ऐतिहासिक होने वाली है और इसकी लगभग सभी तैयारियां
पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन पहले कभी भागलपुर में नहीं हुआ था। डॉक्टर अजय ने शहर वासियों से अपील की कि वे इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने और इसे सफल बनाए। वहीं आयोजन का उद्देश्य लोगों को तैराकी के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। आज जागरूकता रैली है तैराकी के लिए। तैराकी प्रतियोगिता 11/8 को होने जा रहा है सैंडिस्क कंपाउंड के इसी स्विमिंग पूल में, और ये पहली बार भागलपुर में आयोजित हो रहा है और यह आयोजन हो रहा है भागलपुर तैराकी संघ सहयोग कर रहा है जीवन जागृति सोसाइटी। इस तरह से चेस यहाँ मृत प्राय था और आज चेस जन जन की का खेल बन चुका है भागलपुर में। ठीक उसी तरह से तैराकी को जो है आगे बढ़ाना है। तैराकी जो है यहाँ का अंग जनपद का एक अभिन्न अंग है। गंगा किनारे जो बच्चे रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, उनका फील्ड क्रीड़ा मैदान गंगा होता है। वो वहाँ घंटों तैरते रहते हैं, उनमें क्षमता है तैरने की घंटों, लेकिन टेक्निकल जानकारी के अभाव में या कोई प्रतियोगिता के अभाव में प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। तो तैराकी संघ ने जो आज सूत्रपात किया है और सौभाग्यवश भागलपुर स्मार्ट सिटी में स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है, उसके चलते अब हम लोग जो भी अंग क्षेत्र के तैराक हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और 11/8 में सबों से निवेदन करते हैं कि जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो जो भी तैराक को जानते हैं, उनको आप यहाँ 11/8 को भेजें। रजिस्ट्रेशन फीस की चिंता ना करें, यहाँ पर सुबह 8 बजे 11/8 को पहुँचें और तैराकी जो जानते हैं वो इस कंपटीशन में हिस्सा लें। वो 11 से 50 साल की उम्र तक, हम कितना जानता है ये ज़रूरी नहीं है, सभी लोग आएँ जो थोड़ा भी तैराकी जानते हैं, ताकि हम लोग एक माहौल बना सकें अंग क्षेत्र में और अच्छे से ऐसे तैराक निकाल सकें। भागलपुर में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने कजरैली थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। बुधवार की देर रात से गुरुवार सुबह तक चली इस छापेमारी में 2 ट्रक और दर्जनों जुगाड़ गाड़ियों पर लदा अवैध बालू को जब्त किया गया। दरअसल डीएसपी चंद्रभूषण को गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर बांका मुख्य मार्ग पर कजरैली में बड़ी संख्या में अवैध बालू तस्कर ट्रकों में बालू भरकर दूसरे जिले में भेज रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर कजरैली थाना क्षेत्र के कजरैली भागलपुर मुख्य मार्ग के पास न्यू होराइजन स्कूल के समीप छापेमारी की गई। वहीं पुलिस के आने की भनक लगते ही चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इधर पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ अवैध उत्खनन का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। दरअसल इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध बालू तस्करों के खिलाफ हड़कंप मच गया है। वहीं डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया आगे भी बालू तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। तो बाल बाल झर रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाली गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पैन गांव के समीप टेम्पो और मोटरसाइकिल की टक्कर में टेम्पो पलटने से 5 लोग घायल हो गए, जिनमें एक वृद्ध की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने श्यामरती मंडल की मौत की पुष्टि की है, जिसके बाद पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना को लेकर मृतक वृद्ध श्यामरती मंडल के पुत्र गोविंद कुमार ने बताया कि पैन गांव के समीप मोटरसाइकिल और टेम्पो की टक्कर होने पर टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें उसके पिता श्यामरती मंडल की मौत हो गई और उनके घर के 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए मायागंज भेजा गया है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आया उसका बचाने के चक्कर में पलट गया गाड़ी। कौन चीज पलट गया? टोटो। हाँ। तो टोटो में सवार था ये? कौन है? परिवार थे। क्या नाम है? सामरथी मंडल। जो मौत हुई है एक व्यक्ति, आपका क्या नाम? गोविंद कुमार। आपका कौन है वो? बड़े पापा। कहाँ पर हुआ है घटना? पैन पास। पैन के पास। पटना के रहने वाले आकाश कुमार सनातन धर्म का संदेश फैलाने और लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं। अपनी इस यात्रा में इस बार वह सुल्तानगंज से देवघर जा रहे हैं। आकाश यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर रुककर लोगों को सनातन धर्म के महत्व के बारे में भी बता रहे हैं। बता दें कि इससे पहले आकाश पटना से अयोध्या तक साइकिल यात्रा कर चुके हैं। अब बाबा धाम देवघर जाने के बाद आकाश साइकिल से चारों धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। आकाश का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के महत्व को घर घर तक पहुंचाना है। वहीं आकाश के इस प्रयास की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं और उनकी धर्म के प्रति समर्पण को देखकर प्रेरित भी हो रहे हैं। उनके इस अनूठे प्रयास से लोगों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इससे पहले भी हम अयोध्या गए थे। 9 तारीख को निकले थे और 20 तारीख को पहुँच गए थे अयोध्या में। जिस दिन निर्माण परिसर था ना वहाँ पे, उसी दिन पहुँचे थे। आज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ सुल्तानगंज से देवघर जा रहे हैं, जो कि पटना से साइकिल से ही निकले थे। क्या उद्देश्य है इस तरह की यात्रा? बस हम अपना धर्म को आगे तक ले जा रहे हैं। सनातन को मजबूत कर रहे, धर्म को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं।